बरसात के मौसम में कोरबा शहर की सफाई करना निगम प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। रोजाना किसी न किसी वार्ड में नालियों की सफाई को लेकर समस्याएं सामने आ रही हैं। सफाई होने के बाद भी नालियां जाम हो रही हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 1 और 2 में भी कुछ इसी तरह की शिकायतें सामने आई, जिसे लेकर महापौर राजकिशोर प्रसाद खुद मौके पर पहुंचे और निगम के सफाई अमले को निर्देशित कर समस्या का समाधान करवाया। महापौर ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा नालियों के ऊपर चबूतरा बना लेने के कारण सफाई में दिक्कतें आ रही हैं, लिहाजा लोगों को समझा बुझा कर सफाई का काम करवाया जा रहा है। आज नालियों पे ज़्यादा फोकस करते हुए कुछ शिकायत आई थी दरी रोड से कि नाली जाम की शिकायत आई थी, तो हमने जाकर निरीक्षण किया, देखा कि कुछ नाली के बगल से जो घर वाले हैं उन्होंने अपने निकासी के लिए चबूतरा बनाया हुआ है। चबूतरा बनाने समय कुछ उसमें कंक्रीट या और कुछ मलबा गिर जाने की वजह से नाली जाम थी, तो हमने उनसे भी निवेदन किया कि अभी इसको पत्थर को हटा के नाली को साफ करके फिर उसको लगा दिया जाएगा, तो उन्होंने भी सहयोग करने के लिए सहमति दी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निगम क्षेत्र के सभी सामान्य नागरिक बंधुओं से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कोरबा शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाए रखने में आप सभी सहयोग प्रदान करें और घर के जो भी गीले और सूखे कचरे होते हैं उसको स्वच्छता दीदियां जब रिक्शा लेके आती हैं उनके पीछे में नाली में मत फेंकें। आम जनता के द्वारा नालियों में अपशिष्ट बहाए जाने के कारण जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। अपनी जिम्मेदारियों को लेकर जब तक शहर की जनता गंभीर नहीं होगी तब तक इस तरह की समस्याएं सामने आती रहेंगी। लोगों को चाहिए कि वे नालियों में गंदगी ना फेंकें ताकि जाम की समस्या निर्मित ना हो सके। एशिया न्यूज़ के लिए अनिल पाठक की रिपोर्ट।